हम इस वक्त मौजूद हैं ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में बाहर और आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि ये लक्की फार्मेसी है जहां पर सरकार की तरफ से सेंटर बनाया गया था ताकि यहां पर रेमडेसिविर का इंजेक्शन जो है वो मिल सके, लेकिन जब यहां पहुंचे हैं तो यहां पर भी लोगों को खाली हाथ जो है वो लौटना पड़ रहा है। जिस तरीके से ग्रीन पार्क के अंदर आर्क फार्मेसी है वहाँ पर भी लोगों को नहीं मिल रहा, यहाँ पर भी लोग इसी तरीके से परेशान हैं। ये बताइए कब से आप आए हैं, कहाँ कहाँ के चक्कर काटे, मिला है या नहीं मिला रेमडेसिविर? नहीं मिला सर, हम 3 दिन से देख रहे हैं, ग्रीन पार्क में भी गया वहाँ भी नहीं मिला, यहाँ भी आ रहे हैं तो यहाँ भी भगा रहे करें, हमारे पास स्टॉक नहीं आया, कब से नहीं आया, ये क्या कह रहे हैं? ये पीछे का बता नहीं रहे सर, आज का ये कह रहे हैं कि हमारे पास नहीं है, कब तक आएगा ये भी नहीं बता रहे हैं। अच्छा, ग्रीन पार्क में 3 दिन से मैं चक्कर काट रहा, 3 दिन से कोई वो नहीं हो रहा है कि कब मिलेगा, कोई नहीं, वहाँ का फोटो खींच के बस चले जाओ, बोल रहे हैं 3 दिन से हमारे पास नहीं आया। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? आप मैं जीवन हॉस्पिटल से आ रहा हूँ सर। अच्छा, वहाँ मेरा भाई एडमिट है 27 साल का है और उन्होंने पर्चा बना के दे दिया है, लिख के दे दिया है कि वहाँ जाओ आप वैक्सीन ले लो, और यहाँ लोग मना कर रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट मना कर रहे हैं देने के लिए कि है ही नहीं हमारे पास। अच्छा, और वहाँ मेरा भाई बहुत तड़प रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है उसका, हॉस्पिटल का मेरे पास पर्चा है, सब कुछ है, इसमें लिखा हुआ है, उन्होंने लिखे हैं, भेजा है मुझे, वहाँ से भेजा है, वहाँ जाओ वहाँ तुरंत मिलेगी, उनका एड्रेस दे के भेजा उन्होंने मुझे, भी भेजा हमारे को, बोला है कि वहाँ पे जाइए आप, एड्रेस भी लिख के दिया और ये लोग मना कर रहे हैं यहाँ पर, ये कोई बात थोड़ी नहीं होती है, कह रहे 3 दिन से आ नहीं रही है, ये कौन सी बात है, वो लिख के भेज रहे हैं जब भी, तो उन्होंने भेजा है। सरकार का दावा है कि रेमडेसिविर जो है वो मिलेगी, 72,000 के आसपास यूनिट जो है वो सप्लाई की गई है, लेकिन कहाँ सप्लाई की गई ये कहीं नहीं मिल रहा, और भी कई सारे लोग हैं जो लगातार फार्मेसीज के चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनको हताश होकर के ही वापस जो है वो जाना पड़ रहा है, और भी लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं, कहाँ कहाँ चक्कर काटे हैं? हम लोग दिल्ली कैंट से आए हैं, हम लोगों ने तिलक नगर देख लिया, उत्तम नगर देख लिया, हम लोगों ने हौज खास देख लिया, ग्रीन पार्क देख लिया, तो प्रॉब्लम ये मायापुरी कमिंग टू ओखला। अभी प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक अवेलेबिलिटी आज तो नहीं है, संडे है, क्लोज, आई डोंट नो कि इन सच क्रिटिकल टाइम्स हाउ कैन थिंग्स बी क्लोज व्हेन दीज आर द ओनली सेंटर्स फ्रॉम वेयर वी कैन गेट मेडिसिन। अपार्ट फ्रॉम दैट कल मिलेगी, मैं सुबह 5 बजे से लाइन में लगने को तैयार हूँ, लेकिन कल मिलेगी इसका भी कोई आइडिया नहीं है, नोबडी नोज व्हेन द स्टॉक इज गोइंग टू बी रिप्लेनिश्ड। और ये कहीं पे को भी किसी भी सेंटर पे या किसी भी ऑनलाइन पे भी ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि उस स्टोर पे अवेलेबल है कि नहीं है। अगर कोई आदमी बहुत दूर से ट्रेवल करके आता है, उसको ये सर्टेनिटी मिल जाए कि स्टोर पे है, तो उस स्टोर पे चला जाए। आप स्टोर टू स्टोर ट्रेवल करते रहे और स्टोर टू स्टोर आपको जाके इन्फॉर्मेशन मिले कि यहाँ नहीं है, और उसमें भी ये भी नहीं पता कि 2 दिन में आएगा 3 दिन में आएगा, तो ये थोड़ा सा सिस्टम का फेलियर है कि जहाँ पे को ये इन्फॉर्मेशन कभी ना कहीं कहीं ना किसी माध्यम से उन लोगों तक पहुँचनी चाहिए, पब्लिक में अवेलेबल होनी चाहिए कि यहाँ है, आप जाइए, निश्चिंत होकर जाइए, देर सवेर ही सही, लेकिन आपको मिलेगी ज़रूर। आपको कहाँ से पता चला कि यहाँ पर मिल रही है? ये जो दिल्ली गवर्नमेंट की जो लिस्ट जारी हुई है, जो पुलिस कमिश्नर ने भी जारी की है, वो लिस्ट को हम फॉलो करते हुए आए। कई सारे लिस्ट में तो आज क्लोज था, तो ये एक सेंटर था जो खुला हुआ था, इस सेंटर पे आए तो उन्होंने बोल दिया कि फ्राइडे से ही अवेलेबल नहीं है। तो सोचिए कि अगर हम फ्राइडे सैटरडे, आज तो हम संडे चल लिए, मान लेते हैं कि छुट्टी का दिन नहीं है, तो ये तो बिल्कुल सिस्टम का फेलियर है कि कहीं पर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको सही माध्यम से नहीं मिल रही। रियलिटी है, लोग परेशान हैं, हताश हैं, सेंटर पर जब यहाँ पहुँचते हैं तो उनको दवाइयाँ जो है वो नहीं मिल पा रही है। हालांकि सरकार का कहना है कि अब रेमडेसिविर की कमी जो है वो नहीं होगी, यूनिट्स जो है वो ज़्यादा प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन जब सेंटर्स पर हम भी यहाँ पहुँचे, सेंटर्स पे बात करी, तो उनका भी साफ तौर पर ये कहना था कि पिछले 4 दिन से स्टॉक जो है वो नहीं आया है। एक बार स्टॉक आया था, उसको पास ही के जो अस्पताल है पोलो में दे दिया गया था, लेकिन अब यहाँ पर सुबह से ही लोगों का आने का सिलसिला लगातार जारी है, तमाम सेंटर्स पर लोग पहुँच रहे हैं। असमंजस की स्थिति है कि वो कहाँ जाए, कैसे जाए, कोई उनको किसी प्रकार की जानकारी जो है वो नहीं मिल पा रही है।